हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। रोटियां तो हम बहुत खाते हैं, पराठे भी हम बहुत बनाते हैं, लेकिन आज जो पराठा हम बनाएंगे वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, जो हेल्दी भी होगा और जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जो हार्ट वाले पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, ऐसे लोग के लिए ये बहुत हेल्दी है। और स्कूल जाने वाले बच्चे हमेशा ये जिद करते हैं कि ये सब्ज़ी नहीं खाना है, वो सब्ज़ी नहीं खाना है, तो उनके लिए भी ये आज पराठा बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनने वाला है, क्योंकि वो लोग जो कतराते हैं सब्जियों से, ये सारी सब्जियां इसके अंदर डलने वाली हैं और उनको दिखाई भी नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 कप ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स है, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, 1 गाजर हमने लिया है खुरच के, कद्दूकस कर लिया है इसको भी। फ्रेंच बीन जो है बहुत बारीक सी कट करना है, क्योंकि पराठे बनाना है तो बहुत ही बारीक इसको कटिंग करना है। दही ले लिया है हमने बहुत थोड़ा सा, और 1 लिया है हमने हरी मिर्च, और उसके साथ हमने थोड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, अजवाइन और बहुत थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ओट्स को हमको बहुत बारीक सा पीस लेना है, जो हम ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने ओट्स को पीस के इसका आटा बना लिया है, बहुत बारीक सा हमने ओट्स पीसा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियां, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन, हरी मिर्च, दही। दही से ये पराठे जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और सब्जियां जो हैं, आप और भी एक्स्ट्रा सब्जी आपके पसंद की आप ऐड कर सकते हैं, और कुछ स्पाइसेस जो है इसके अंदर हमने जो लिए थे वो भी इसी में ऐड कर देंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। इसको अभी पानी डाल के आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि दही और सब्जियों का पानी छूटेगा, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसमें इतने ही पानी में आटा गूंदा जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कम पड़ रहा है तब आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इस आटे को बहुत नरम नहीं और बहुत कड़क नहीं गूंदना है, बहुत कड़क गूंदेंगे तो बाद में ये और थोड़ा कड़क हो जाएगा, इसलिए बहुत ही कड़क नहीं गूंदना है। थोड़ा सा इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे हम, क्योंकि 10 मिनट जब हम इसको रखेंगे ना तो ये और कड़क हो जाएगा, क्योंकि ओट्स जो है पानी पी लेता है। तो सॉफ्ट डो हमने गुन लिया है, देखिए बहुत सॉफ्ट सा डो है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, फिर आपको बताते हैं। 5 से 7 मिनट हम डो को रखे थे, और देखिए ये अब थोड़ा कड़क हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो चलिए इसके हम पराठे बना लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें आटा लेंगे और इसका गोल पेड़ा बना लेते हैं, इस तरह से जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब डस्ट कर लेंगे इसको। और एकदम नॉर्मल रोटी की तरह ही बनाना है, बस हल्का हल्का बेलन चलाना है। थोड़ा सा आटा डाल के, चिपकने लगेगी तो थोड़ा सा आटा डाल के आपको वापस से इस तरह से रोटी बना लेने की है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। वेट लॉस के लिए अगर आप 2 रोटी खा लेंगे ना इसकी, तो आपका वेट लॉस बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होता है। और ये जो पराठा है वो बहुत देर तक है ना अपने पेट को भरा रखता है, बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती है। तो ये अक्सर मैं बनाया करती हूँ नाश्ते में। चलिए इसको हम कैसे सेकते हैं आपको बताते हैं। तो तवा हमने गरम कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं रोटी।
और एक तरफ से अच्छे से पहले सेकने देते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम आंच पे रहेगा। ये पराठा जो है ग्लूटेन फ्री है। बहुत लोग को गेहूं का आटा नहीं चलता है, उनके लिए ये पराठा बहुत अच्छा है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। तो ये अच्छी तरह से सिका गया है, चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से सेक लिया है। बस इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें लगा देंगे हम 1 टीस्पून घी। जो वेट लॉस कर रहा है उसके लिए भी घी बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें गुड फैट्स होता है और हाजमे के लिए भी ये घी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये पराठे बन के तैयार। हमने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको चटनी के साथ, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये पराठा बन के तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका पराठा कैसा बना। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।